प्रोसेस ना बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इसे इन 10 बच्चों को चुनना। और ये इतने रॉ हैं, हमको इनको कम से कम 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग देके इनको ग्रूमिंग करके हम यहाँ तक पहुँचाए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि प्री इवेंट में ही 2 बच्चे यहाँ से ऑलरेडी एक फीचर फिल्म साइन करने वाले हैं बहुत जल्द, जिनका ऑफ़र उन्हें आ चुका है। तो ये बहुत खुशी की बात है। के बारे में अगर बात करें तो जब वो आई थी और पहला लुक जब मैंने शीतल का देखा था तो मुझे दूर दूर तक नहीं लगा था कि ये लड़की विनर हो पाएगी, दूर दूर तक, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उसका जो हाव भाव था वो बहुत ऐसा था, मतलब बहुत रॉ थी। तो यू नो, मुझे दूर दूर तक नहीं लगा था कि ये इवन नज़दीक भी आ पाएगी। लेकिन जब हमने इनकी ट्रेनिंग शुरू की और जो इसका बॉडी पॉस्चर, इसका लैंग्वेज, इसका यू नो पर्सनैलिटी उभर के आई है, तब मुझे लगा कि नहीं, ये वो मटेरियल है जो आगे जा सकती है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक पोस्चर और पर्सनैलिटी नहीं चाहिए होती है, इसमें यू कॉल इट ब्यूटी विद ब्रेन्स, है ना। तो जब हमने क्वेश्चन आंसर राउंड किया, जो कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन आंसर राउंड हो या कुछ भी हो, लेकिन हर चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। आप आंसर भले कुछ जो मर्जी आए वो बोलें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए टू प्रूव योर कॉन्फिडेंस। आंसर कोई नहीं सुन रहा, आपको देख रहा है, आपके यू नो पर्सनैलिटी में वो उभर के आना चाहिए। तो वो पर्सनैलिटी मुझे शीतल में दिखी। शीतल, आप कितना क्या इतना अच्छे से, और ऑब्वियसली शोभा मैम थे जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग यहाँ पर आए, अपना टैलेंट दिखाए, ग्रूम होके फिर यहाँ पर परफॉर्म कर सके। और ऑब्वियसली सर, अनीस सर और सब लोग थे हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, हर एक मोमेंट पे उन्होंने हमें गाइड किया है, सपोर्ट किया है, और दिस इज़ द रिजल्ट। मेरा पहला फीलिंग मेरे मुंह पे तो नहीं आया, मेरे दिल पे ज़रूर आया, धक 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 होके। तो बोलते हैं ना कि दिल गले से आ गया, बस बाहर निकलने वाला था, उससे पहले मैंने पकड़ लिया तो काफ़ी भारी है, तो वो वापस अंदर चले गया। तो वो फीलिंग, वो मतलब कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मैं तो ऊपर ही उड़ रहा हूँ, इंटरव्यू तो हवा में चल रहा है, मेरे को बस यही फील हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो मानना ही पड़ेगा मेरे को देख के। लड़कियां बेस्ट नहीं, एक्चुअली पहले और अब में ये फ़र्क आ गया कि टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया है, और लड़कियों को बेटियों को आगे लाने में पेरेंट्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरी खुद की बेटी है अनन्या, जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट रही है 10 साल से, अब वो इंडस्ट्री में लॉन्च होने के लिए रेडी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चों का टैलेंट है वो हमें प्रमोट करना चाहिए और बच्चों को उसी तरह उभारना चाहिए। यहाँ पर भी बॉयज़ को भी आप देखेंगे कि वो कोशिश ज़रूर करते हैं लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की, बट कहीं ना कहीं पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए शेक होता दिख रहा है बिकॉज हमारी लड़कियां काफ़ी दिल से मेहनत से आगे बढ़ रही हैं और उनको बढ़ाया भी जाता है। वाओ अवार्ड इज वुमेन ऑफ वर्दीनेस, तो औरतों की जो वर्दीनेस है वो इस अवार्ड में झलकती है। वाव अवार्ड जो है वो मुझे मेरे ब्यूटी के लिए और ब्यूटी पेशेंट्स के लिए दिया गया है, दैट इज़ फॉर एक्चुअली आई वॉन सो मेनी अवार्ड्स, यू नो, इन दिस 2017 आई गॉट मिसेस भारत आइकॉन फर्स्ट रनर अप, आई गॉट मिसेस इंडिया अर्थ फर्स्ट रनर अप, एंड नाउ दिस इज़ आई एम गेटिंग दैट, यू नो, मिसेस इंडिया पैसिफिक वाव अवार्ड। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर इवन मिसेस Earth International USA, so I'm happy for that. क्या लगता है आपको कौन विनर? जो भी यहाँ पे विनर्स होंगे वो विनर्स इस स्टेज पे होंगे, बट लाइफ में बहुत कुछ विन करना होता है, तो यहाँ तक ही उनको अपनी जो भी एनर्जी है, जो भी कुछ है, यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। और जो विन नहीं करते हैं उनके लिए भी हर इंसान को कोई ना कोई मकसद से ऊपर वाले ने भेजा है, तो मैं ये कहूँगी कि वो अपना मकसद फाइंड आउट करे क्या है। यू नो, वर्क फॉर अ पर्पज़ ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट दी एंड। जो भी उनका पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो आगे सामने आता ही रहता है हमेशा, सो वर्क फॉर दैट, यू नो, नॉट जस्ट यहाँ पे विनिंग हो तो भी आगे चल के उनको किस तरह से अपनी लाइफ को किस तरह से सुधारना है, लोगों की लाइफ को किस तरह से सुधारना है, ह्यूमैनिटी को किस लेवल तक उनको गिव टू ह्यूमैनिटी, देयर इज सो मच टू गिव टू ह्यूमैनिटी।
So when you are on the pageant, when you win pageants, when you are a celebrity, when you are a known face, तो बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ responsibility होती है आपके ऊपर, and एक platform मिल जाता है आपको कुछ करने के लिए, लोगों के लिए. मेरा pageant मुझे सामने दिखाई देता है, और मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं contestants को बहुत ज़्यादा motivate करूँ, किसी भी तरीके से किसी को भी demotivate ना करूँ, क्योंकि एक स्टेज पे आने के लिए हाथ में माइक पकड़ के कुछ बोलने के लिए बहुत सारे गट्स चाहिए होते हैं, जो ये कंटेस्टेंट्स ने कर दिखाया है आज. डूइंग इज इन अ वे इट्स अ वेरी गुड सोशल सर्विस, बिकॉज वो टैलेंट छांट के टैलेंट, मतलब जो लोग कैपेबल हैं उनको होन कर रही है, ताकि वो अपना एक फ्यूचर बना पाएँ. आई थिंक गॉड ब्लेस शोभा जी, एंड एज आई सेड मैंने उन्हें कमिट कर दिया है कि जितनी भी बार ये अवार्ड्स होते हैं आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एक्चुअली मुझे लगता है शोभा जी ये काफ़ी सालों से कर रही हैं, और इस साल मुझे जूरी मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया, साथ में एक अवार्ड से भी ऑनर किया गया, तो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी. इट्स ग्रेट टू बी हियर. और इतने सारे यंग टैलेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है, उनकी ग्रूमिंग हो रही है, बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आई थिंक शोभा आर्या इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब.